बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे लेटर वॉर में एक नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है प्रियंका गांधी का। जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लेटर की प्रियंका गांधी ने आलोचना की है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगर बुजुर्गों का सम्मान करने में आस्था होती तो वह खुद लेटर का जवाब देते। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा के लेटर भिजवाकर उनका अपमान किया है। आखिर 82 साल के एक सीनियर लीडर को नीचा दिखाना क्या जरूरी था? प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ एक भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वह खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भिजवा दिया। 82 वर्ष के एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत थी? लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति प्रश्न पूछने और संवाद करने से होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। आज की राजनीति बहुत जहर खुल चुका है। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी। अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदर पूर्वक जवाब देते तो जनता की नजर में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती। यह अफसोस की बात है कि सरकार के ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हमारे नेताओं ने इन महान परंपराओं को नकार दिया है। दरअसल ये लेटर विवाद 17 सितंबर को शुरू हुआ था, जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा था कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। और उसके एक दिन बाद जेपी नड्डा ने भी लेटर लिखकर जवाब दिया। जेपी नड्डा ने लिखा कि आप राहुल गांधी समेत अपने नेताओं की करतूत को भूल गए हैं या आप फिर भी उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया। नड्डा ने लेटर में लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी, तब राजनीति, सुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार ये शब्द आपकी डिक्शनरी में क्यों गायब हो जाते हैं? आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई देने के बाद एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जताई थी। खड़गे ने लिखा था कि भाजपा के सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस लेटर के बाद ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अब इसमें प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।